म्यूज़िक टेक्निकल ज्ञान। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं वेव्स प्लगइन का। दोस्तों, वेव्स प्लगइन 2022 में 14 बहुत ही यूनिक VST है, बहुत ही यूनिक। मैं बात करूं इसके कुछ प्लगइन्स के, तो बहुत ही यूनिक प्लगइन्स हैं। और मैं प्लगइन्स की जो सबसे ज़्यादा अभी 2022 में फेमस रहा है क्लियरिटी VX और अदर भी बहुत सारे ऐसे VST। आज हम कुछ VST को ट्राई करेंगे, इसका रिव्यू करेंगे, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे VST हैं कि आप बहुत ही कम VST में आप बहुत ही अच्छा वोकल्स को बना सकते हैं। आई होप कि मैं बात करूं इसके स्मूथ के वगैरह वगैरह, लेकिन बस भी जो प्रॉब्लम्स आते हैं बहुत सारे लोगों को फेस जो करना पड़ रहा है वो इस चीज़ का कि वो 64 बीट को 32 बीट्स में यूज़ नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हम बात करें 32 बीट्स में क्यूबेस 5, न्यू विंडो 4, ये सब डॉ ऐसे हैं जो आपको 32 बीट्स को सपोर्ट करता है। और सबसे जो पहली बात है कि डॉ कोई भी हो वर्क सब सेम करता है। फ़र्क इतना है कि कुछ अब जो डॉ आ रहे हैं वो थोड़ा एडवांस आ रहे हैं और जिस पे काम करना आसान हो जाता है और जो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। हम बात करें इसके काफ़ी सारे ऐसे इसमें फंक्शन है। हम इसकी न्यू की बात करें QH12 की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो न्यू हैं और जो है बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो काम के हैं। ट्रैक एडिटर, माइक मिक्स कंट्रोलर्स एडिटर, सैम्पल कंट्रोलर, कोड्स। आप आज के जो डिजिटल लाइफ है इसमें आप बहुत सारे ऐसे होते थे विगनर्स को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे। डी मैनर तो मैं चलो कहीं से पता कर भी लिया, बट प्रॉब्लम्स क्या आती थी कि यार मतलब मैं लगाऊंगा इसे कैसे, है ना। तो यहाँ पे अब बहुत सारा इजीली दे दिया है। यहाँ पे आपको सिर्फ ओनली अपना एक इंस्ट्रूमेंट चूज करना है, ठीक है। आपको पसंद करना है कि आपको किस पे आप बनाना पसंद करते हैं, नेक्सस हो, कॉन्टैक्ट हो, या जो भी हो आपके पास, उससे आप जिससे भी आप कोड बनाना चाहते हैं उससे आप बना सकते हैं। और आपको सिंपली यहां से उठा के इसे जो है रखना पड़ता है। तो ऐसा बहुत सारा है, इस पे हम टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। चलें नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इन स्टॉक के बारे में भी आपको बेसिक बताया जाए, ठीक है दोस्तों। तो अभी जो है फिलहाल हम बात कर रहे थे वेव्स प्लगइन के, जितने भी प्लगइन्स हैं बहुत ही यूनिक हैं और बहुत ही अच्छे हैं, है ना। जो है हमारा सबसे पहले बात करने वाले हैं क्लियरिटी VX का, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है अभी। तो और इसके सेटअप भी बहुत ही नॉर्मली आपको मिल जाते हैं, ठीक है, 64 बीट में ये है। तो ये क्लियरिटी VX, क्लियरिटी प्रो हो या कोई भी हो, आप दोनों के यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे एक ही में मिल जाता है आपको दोनों चीज़ें, ये सबसे अच्छी बात है कि दोनों VST जो हैं आपको एक साथ मिल जाते हैं। तो ये मोनो स्टूडियो में आपको दोनों मिल जाते हैं और ये दोनों बहुत ही बेटर, बहुत ही अच्छा VST में बताऊँ, बहुत ही बेटर प्लगइन है वोकल्स के लिए। और इसके साउंड की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आप जैसे विगनर्स वगैरह हैं जो जिनके पास वोकल्स रूम की थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनकी बात करूं तो उनके लिए तो ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। तो ये वोकल्स को जो है एक यूनिक जो है चीज़ें बना देता है, बहुत ही अच्छी चीज़ें, ठीक है। और मैं इसकी इफ़ेक्ट की बात करूँ, लाजवाब है इफ़ेक्ट, बहुत ही गजब का है। तो मैं आपको सुना देता हूँ, देखते हैं प्ले करके, है ना। ना कौनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग नजरिया से होला, उमरिया के रोग नजरिया से होला।
ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग नजरिया से होला। अब हम इसे हमने इसे प्ले किया अभी, इसे ऑन है बट मैंने इसे यूज़ नहीं किया, इसमें हमने कोई इफ़ेक्ट नहीं दिया है, तो अभी इफ़ेक्ट दे के देखेंगे इसमें और मैं प्ले करूँगा और फिर फ़र्क देखेंगे कि फ़र्क क्या। मैं इसे कर देता हूँ फ़िलहाल इतना 35 और फिर प्ले करते हैं क्या फ़र्क। ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग नजरिया से होला, उमरिया के रोग नजरिया से होला। ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग नजरिया से होला। आई होप कि इसे सबसे पहले आप जो है कानों में लीड लगा लें, तब आपको पता लगेगा कि दोनों साउंड में क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब मैं इसे क्या कर देता हूँ, बिल्कुल ही फुल कर देता हूँ, बिल्कुल तो बिल्कुल बेकार लगेगा, फिर भी चलिए मैं यहाँ तक कर दिया हूँ 80, ठीक है। अब सुनते हैं। ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग नजरिया से होला, उमरिया के रोग नजरिया से होला। ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग नजरिया से होला। अब हमने इसे 80 पे कर दिया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोगों को फ़र्क पता करना हो तो इसको या तो आपने स्टूडियो में सुन रहे हैं तो और अच्छी बात है, बट नहीं तो हेडफोन या कानों में लीड एयरफोन लगा लें, फिर आपको पता लगेगा इसके साउंड की क्वालिटी। ओके, इसके बाद जो है हम बात करें 80, ये तो हमारा फर्स्ट है। सेकेंडरी हम करते हैं क्लियरिटी मोनो प्रो, ये भी बहुत ही स्मूथ आपको चाहिए अपने वोकल में, तो बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं इसे जो है कर लिया है ऑन, इसे कर दे दिया है हमने ऑफ, इसके बाद इसे हम करते हैं प्ले, ठीक है। अभी तो स्मूथ पे है तो मैं इसे कर देता हूँ 00, है ना। सुनते हैं इसे पहले। ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग नजरिया से होला, उमरिया के रोग नजरिया से होला। ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग नजरिया से होला। आई होप कि मैंने अभी फर्स्ट बार में 0 जो है हमने इस्तेमाल किया है, अब हम कुछ प्लस करेंगे कुछ माइनस करेंगे। ओके, अब हम वॉइस के तरफ इसे करके देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, तो मैं इसे कर दिया है 30 कर दिया हूँ,
ठीक है, कोई भी चीज़ें हैं ज़्यादा भी अच्छी नहीं लगती हैं, आपके स्टूडियो अच्छे हैं तो ज़्यादा भी अच्छे नहीं लगते, ठीक है, तो करता हूँ मैं प्ले। ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग हो नजरिया से होला, उमरिया के रोग हो नजरिया से होला। ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग हो नजरिया से होला। ये हमने 30% जो है वॉइस की तरफ करके देखा है। अब हम लेफ्ट के साइड में एम बैलेंस की तरफ अब हम एम बैलेंस की तरफ करके देखते हैं, इसमें क्या माइनस क्या फर्क पड़ता है। ज़्यादा माइनस नहीं करना है, क्योंकि इस तरफ माइनस जब ही आ गया तो समझ लेना चाहिए कि थोड़ी, अब देखते हैं इसमें क्या फर्क पड़ता है। ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग हो नजरिया से होला, उमरिया के रोग हो नजरिया से होला। ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग हो नजरिया से होला। ना कोनो हाट ना ना नरे 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 नरे। अब क्या हो गया, एम बैलेंस की तरफ एक स्मूथ आ गया, यानी कि बहुत ही, बात करें कि अटैकिंग नहीं है, जो होना चाहिए वो एम बैलेंस में आ गया, और बहुत ही अच्छा और प्यारा सा बन गया। एक सैड जो फीलिंग्स होने चाहिए, या सैड फीलिंग्स की बात नहीं है, आप ऐसा नहीं कि किसी और पे नहीं लगा सकते, हैप्पीनेस पे नहीं लगा सकते, क्योंकि सभी को जो है वोकल्स ऐसे स्मूथ मिले तो क्या अच्छी बात है, है ना। मैं थोड़ा और ज़्यादा जो है स्मूथ कर दिया हूँ बिल्कुल ही। अब ये फाइनली सुनते हैं, इसके बाद ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग हो नजरिया से होला, उमरिया के रोग हो नजरिया से होला। ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग हो नजरिया से होला। ना कोनो हाट ना, होप कि आप समझ गए होंगे कि हम जितने भी अपडेट प्लगइन्स यूज़ करते हैं बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छे होते हैं, तो वेब प्लगइन 14 यूज़ ज़रूर करें। और बट मैं ये कभी नहीं गाइड करूँगा कि आप क्रैक वर्जन यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि क्रैक वर्जन इतना स्मूथ आपका नहीं चलेगा, आपका पीसी हैक या हैंग हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स में बताएं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।